Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो. Breeze Cement Solid Technology ले बन्छ Solid Cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन. आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है. आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से. आपकी पंक्तियां तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे दोस्त की तकदीर में मुस्कान लिख दे. ना मिले जिंदगी में कभी दर्द उसको, चाहे उसकी किस्मत में मेरी जान लिख दे. अब आज का अतिथि से बातचीत. आज आपने कने अतिथि है अर्जुन राम मेघवाल, जो कि माननीय सांसद है बीजेपी की तरफ से और लोकसभा में सांसद है बीकानेर से. ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी है. ये मारवाड़ी भाषा को संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत काम कर रहा है. इना से मारवाड़ी भाषा के बारे में लगायत अन्य विविध विषय में बातचीत करांगा. आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा. कार्यक्रम में आपको स्वागत. आप बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम जी अग्रवाल जी. आपनी जो मारवाड़ी भाषा और संस्कृति, या यूं कहूँ मारवाड़ी भाषा कहूँ चाहे राजस्थानी भाषा और संस्कृति की विशेषता के बारे में संक्षेप में बताओ. देखो मारवाड़ राजस्थान रे भूभाग में और इन्हें पंजाब रे हरियाणा रे भूभाग में बहुत क्षेत्र है राजस्थान रो मारवाड़. बट लोग साहसी बहुत हुए. वे कठे भी जाए तो आपस में मिल जासी, आपरो प्रेम बठे भी ले जासी, आपस में भाईचारो मियारो बहुत मजबूत हुए. और वे जिके भी देश में जा रहे बसिया मारवाड़ी, भारत में तो हर कोने में बसिया है, चाहे बिनो गुजरात में देख लो और बिना आसाम में देख लो, इनने ऊपर पंजाब और कश्मीर में देख लो और नीचे तमिलनाडु और केरल में देख लो, हर कोने में मारवाड़ी बसुड़ा है. लेकिन आप विदेशरी बात करा तो नेपाल में तो है ही, मेरे अलावा भी अमेरिका वो, इंग्लैंड वो, लंदन वो, जर्मनी वो, जापान वो, हर जठे मारवाड़ी बसुड़ा है. बे बट बी देश में जार बी देश रिज की आर्थिक धुरी है, बीने बढ़ाने रो काम करे, बीने आगे बढ़ाने रो काम करे, बीने रफ्तार ने आगे बढ़ावे और बठे जार बे घुल मिल जावे. पतो ही कौन लागे कि भाई बी देश रा नागरिक है या नहीं, बठे री भाषा सीख जावे, बठे रो बिजनेस करने लाग जावे, बठे रा जिका सामाजिक सरोकार है बीने पूरा करे, धार्मिक सरोकार है बीने पूरा करे और बी देश ने आगे बढ़ावे. तो एक अलग पहचान शू मारवाड़ी समुदाय जानो जावे पूरे संसार में. आ पहचान और किसी समुदाय में जल्दी सी कोनी मिले, जिकी आपस में घुलनेरी और भाईचारो बढ़ाने जिकी आज की विशेषता है नी, वह अपने आप में अनूठी विशेषता है मारवाड़ी समाज री. अभी आप जो बोलिया नी कि अनूठी विशेषता अपनी है, लेकिन आपा कठे भी जावा बठका हो जावा या भी बिल्कुल सही है, लेकिन सागे सागे आपकी जो संस्कृति लेकर जावा हाँ या आपकी जो भाषा लेकर जावा उन्हें भी तो भूल जावा है. देखो यह है कि संस्कृति भाषाओं बने, भाषा हुए जहा एक शब्द है माँ, माँ कहता ही प्यार निकले, माँ कहता ही ममता निकले, वह हमारी संस्कृति है. भाषा सु संस्कृति बने. कभी अपा जी सा माँ, माँ जी सा कहता, अब डेडी और मम्मी, मम्मी तो डेडी मम्मी कहता हूँ, बा संस्कृति को बने नहीं जिकी अपनी भाषाओं बने. माँ जी सा माँ पिताजी अपा कहो नहीं, जन बा संस्कृति अपनी जिंदा रहे, वो लगाव, वो प्रेम, वो जो आपस में संबंध, वो माँ और पिताजी या जी सा बने नहीं, वो डेडी मम्मी को नहीं बने. वास्ते भाषा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करे संस्कृति ने विकास रे वास्ते. और संस्कृति रे विकास में जिकी मारवाड़ी भाषा है, आ भाषा भक्ति री और शक्ति री भी भाषा है. मीरा आपरे माध्यम सु
ई भाषा रे माध्यम सु भक्त शिरोमणि बन गई। मीरा जसी भक्त बी जमाने में आपरे पति ने समझावने वास्ते कोशिश करी और मियाँ रो पति चातो कहते हैं भक्ति में मत रहे वो, तो अभी मियाँ ने कह देखो हूँ तो भक्ति में रहसूँ और थाने भी भक्ति में लासूँ। बी जना में जमाने में लेडीज बारे को नहीं निकला करती, पर मीरा भगवान एकदम सारोकार कर और नारी शक्ति ने बिने ह्यूमन एम्पावरमेंट आजकल बोले बाबा शुरू करी मीरा कह नहीं मैं भी मानव हूँ थे भी मानव मैं भी भक्ति कर सका थे भी कर सका। और जो वुमन एम्पावरमेंट रो जो कंसेप्ट आयो नहीं वो अपने मारवाड़ी संस्कृत में बहुत विशेष कंसेप्ट है। अपनों जो मारवाड़ी लोग जो साहित्य रचना वगैरह करे है बा इतनी सरल रूप से उपलब्ध को नहीं, इनकी उपलब्धता कराने के लिए आज तो इंटरनेट को जमानो है, इनकी उपलब्धता करें क्या कराई जा सके लोगों ने ताकि धीरे धीरे अपना आगे आने टाबर जो है बस समझे कि मारी मातृभाषा जो थी वह मारवाड़ी थी। देखो मारवाड़ी रिज की भाषा है बिने लोग इसको चावे है बिने इसको पसंद करे जिया मारा गीत आ मारवाड़ी में वे बीच में एक बार खत्म हो गया लोगों ने लगे यार हिंदी फिल्म वाला गीत आ गया मारवाड़ी गीत कटे खड़ी नीम रे नीचे में तो एक ली। अब ए गीता ने सुलभ करने वास्ते संस्था आगे आई जहाँ वीणा कैसेटरी एक संस्था है। वीणा राजस्थान में जिसका मारवाड़ी गीत है संगीत है भी ना इकट्ठा कर और नई पीढ़ी ने परोसिया। ई वास्ते कई साहित्यकार लागूड़ा है नया नया लिटरेचर पैदा कर बिहारी भाषा रे वास्ता भाई अपनी संस्कृति कहीं है अपनी भाषा कहीं ही अपनी भाषा में कौन कौन संत पैदा हुआ अपने भाषा में कौन कौन सेठ पैदा हुआ अपने भाषा में कौन कौन सौकार पैदा हुआ बार साहित्य लिखो जा रही है। और मैं और अपील करूँ कि जिसका मारवाड़ी भाषा हूँ जिसका साहित्यकार चिंतक लेखक जुड़ रहा है कवि जुड़ रहा है भाई जरूर ये रचना करे इन्हें भूले नहीं रचना कर सी जन आ भाषा आगे बढ़ सी। और भी मैं एक कमी जी की खड़े मारे बटे भारत में तो आ खड़े के इतनी मजबूत इतनी समृद्ध इतने लोगों ने बोलने वाली भाषा 10 करोड़ लोग बोले मारवाड़ी पूरे संसार में 10 करोड़ बी ने मान्यता को नहीं दे रखी है। बीर वास्ते भी मैं संघर्ष कर रहा और बीर वास्ते माँ एक समिति बनाई है और भी समिति के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से मिलिया मोदी जी से हुई और हमारे भाषा विज्ञान रो जो क्षेत्र है वो गृह मंत्रालय में आवे तो राजनाथ सिंह जी में मिलिया कोशिश करी के इन्हें मान्यता दो को मने लागे कि अब जल्दी राजस्थानी ने मारवाड़ी भाषा ने मान्यता मिली तो इरो और एक विकास हुई इमें नया नया शब्दकोश पैदा हुई जो कॉमन शब्दकोश है जहाँ थे बार बोलो कि मने चीज रो बेरो कोनी तो बेरो शब्द मारवाड़ में कठी बोली जाए कठी कोनी बोली जाए लेकिन मीरा अपने भजन में बेरो शब्द यूज करियो तो बेरो कॉमन हो गयो तो आई भाषा की विशेषता। अभी आप जो बोलिया नहीं कि राजस्थानी जो अपनी भाषा है उन्हें भारत में भी अभी तक संविधान में जगह कुनी दी गई है या मान्यता कुनी दी गई है तो मारो आपसे यो पूछनो है कि आप अपनी चीज ने खुद जब तक उनको अच्छी से उपयोग प्रयोग नहीं करांगा तो दूसरों आदमी उन्हें क्या सम्मानित करेगो। था बहुत वाजिब प्रश्न उठायो मारे यहाँ हृदय में जो प्रश्न है नहीं जो थार जबान पर आयो है आई बात मैं मोदी जी ने कही मैं कह अमेरिका रो जो राष्ट्रपति रो कार्यालय है भी मैं कोई आदमी अप्लीकेशन देवनो चाहे रोजगार री जर्मनी में दे सके इंग्लिश में दे सके फ्रेंच में दे सके भी यहाँ अलाउ कर दियो कि थे मारवाड़ी में भी दे सको ठीक है। शिकागो यूनिवर्सिटी में मारवाड़ी भाषा पढ़ाई जावे राजस्थान में भी कई यूनिवर्सिटी मारवाड़ी पढ़ावे लेकिन मान्यता को नहीं देवो मान्यता नहीं देने का कारण मारे आज तक समझ में आयो को नहीं। पहला तो एक कारण हो मोटो कि राजस्थान री विधानसभा से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास को नहीं हुई हो। हालांकि बहुत लोग जहाँ मैं बीकानेर आऊँ बीकानेर महाराजा करणी सिंह जी गुमानमल जी लोडा जोधपुराला और भी बाद में घने ही जना करणी सिंह जी यादव गिरधर लाल जी भार्गव ओंकार सिंह जी लखावत जिका जिका भी MP बटे लोकसभा राज्यसभा में गया घने ही पैर भी करी लेकिन एक राजस्थान विधानसभा से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव को तो नहीं। वो 2003 में हुई हो तीनों ले और बीच में UPA फर्स्ट और सेकेंड सरकार रही बिया चीज ने ज्यादा ध्यान दियो को नहीं। पर मने अबे लागे कि मोदी जी अबार बिहार गया भोजपुरी में बोलिया मोदी जी जब चुनाव में आया तो बठे बीबिया कहो कि मारवाड़ी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए तो अबे मने लागे कि अब मान्यता मामलो बहुत नेड़ो है अबे अबे नजदीक है और मान्यता मिलिया पछे ई भाषा रो विकास बहुत तेज गति से हुएला जिया अपनी भाषा और जो संस्कृति है
कठे कठे या कोनी के जे आपनो आपा प्रचार कोनी कर पा रहा कहने को मतलब है कि जिया थे जिया बोले 10 करोड़ है लोग दुनिया में बुलनिया, लेकिन भारत में भी अगर आप बात करा तो टीवी में वो पत्र पत्रिका में और में मारवाड़ी भाषा का कोई कार्यक्रम बहुत कम मात्रा में आवे है। इनको इन्हें बढ़ायो जावे ताकि इनसे कुछ फर्क पड़े, इनके लिए कुछ कर रहे हो कि बटे। देखो दयाराम जी अग्रवाल साहब, पहला तो मैं थाने बहुत बधाई देवनो चाहूं के थे अठे नेपाल में बैठ र आपनो नेपाल आपनो गौरव कार्यक्रम कर रहा हो, वास्ते थाने तो बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाई। ऐसो कार्यक्रम वाकई मारे बैठे भी कम हुए, आप बात थारी सही है, इन्हें मैं स्वीकार भी करूँ। और ये कारण कहीं बनियो, कारण वो बनियो किसी का मारवाड़ी बोले नहीं बयान समझे कि यार वो तो कहीं बैकवर्ड दिखे, इंग्लिश बोले नहीं स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल और की संस्कृति में चेंज आ रही हो नहीं यंगर जनरेशन में, वो कई बार खराब करे। पर अब यंगर जनरेशन घेरे बाप री भाषा मारवाड़ी बोले, मैं देखियो अठे भी देखियो, मैं विराटनगर में भी देखियो और मैं अठे काठमांडू में भी देखियो, और हूँ मारे बैठे भी हूँ कटे विदेश में भी जाऊँ नहीं, अब बार मैं बैठे गयो बेल्जियम मारे स्पीकर रह साथ है, तो बैठे भी मैं एक मारे क्षेत्र आदमी बैठे मैंने मिलियो जो बीरो छोटो टाबर है 10 साल रो, वो भी मारवाड़ी में बात करते हो, जो मैंने लगे कि अपनी संस्कृति रे बचावन वास्ते भाषा ने बचावन की बहुत जरूरत है, भी नहीं यंगर जनरेशन ने अपनी भाषा में बारे में बतावनो पड़सी। इरे वास्ते जगह थे साहित्यकार हो, चिंतक करने वाला हो, थे साथ प्रोग्राम देने वाला हो, इन्हें मैं बहुत बहुत बधाई दूँ, आगे बढ़ना चाहिए, इन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि अपनी संस्कृति जिंदा रह सके। आप एक छोटो सो ब्रेक ले वहाँ फिर आगे बढ़ाना दर्शक ब्रेन, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न यी मध्ये को नेपाल सरकार का व प्रधानमंत्री होइनन्, अप्सन ए चोप बहादुर रायमाझी, अप्सन बी अनुसरी खर्ती, अप्सन सी कमल थापा र अप्सन डी विजय कुमार गच्छदार। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्सपोर्टिन, प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजी को फैन हीटर, प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विजेता को नाम आउँदो शनिवार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव मा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा, स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो। Breeze Cement, Solid Technology ले बन्छ Solid Cement. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आपा बातचीत कर रहे हैं माननीय सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी से, आओ इस बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। आज की स्थिति यह है जी, आप बोलिया कि मारवाड़ी बोल है तो अपना खुद लोग यह समझे कि यो कटे को बैकवर्ड आदमी है। जब आपा अपनी खुद की संस्कृति या भाषा ने बोलने में ही अगर आपने हिचक हुआ है तो यह चीज तो बहुत गलत हो रही को नहीं के? हाँ बिल्कुल गलत हो रही है, फिर भी मैं कहूँ फिर भी यंगर जनरेशन और था जगह से साहित्यकार है बिया ने जिंदा रखी। देखो मैं एक सुजानगढ़ में कवि हुआ कन्हैलाल जी सेठिया, धरती धोनारी बिया एक गीत लिखियो, आ धरती धोनारी इन आसुरगा ने शरमावे ई पर देव रमण ने आवे, और जगी भी धरती धोनारो जो को बिया गुणगान करियो और जिज्ञा जिज्ञा जार लोग धरती धोनारो जब गीत गावे तो वे आपस में कनेक्ट हुए भावनात्मक रूप से, ज्या ही वे कनेक्ट हुए सीमेंटेड हो जावे वे, और ज्या ही वे कनेक्ट हुए और बिया ने आ चीज चौखी लागे जन मन लागे चाहे कितो प्रयास थे उल्टो सीधो कर लो भाषा जिंदा रहसी मारवाड़ी। और ये एक बड़ो कारण है, एक मराठी भी एक कवि हुआ अन्नाराम जी सुदामा बिया एक एक पुस्तक लिखी पुरोल में कुत्ती ब्याई, अब भी बीरो जो को अनुवाद है कई जिज्ञा हो गयो ई वास्ते मन लागे जगह साहित्यकार है जिका विचारक है जिका थे चिंतक हो थे जगह सा प्रोग्राम करो पब्लिक में पहुंचावो, इया ने बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई है के बेबी ने जिंदा रख लिया। फिर भी मराठी एक अकेडमी भी है भाषा साहित्य अकेडमी, बी में भी जिका यंगर जनरेशन रा कवि है यंगन जनरेशन रा जिका लेखक है बिया ने बार बार मैं इनाम भी दिया बिया ने प्रोत्साहित भी करा, और कई लोग ही में लागू रहा है। एक बंगलोर में रहे बे सेठ जी जिका मारवाड़ी लिखे लेखक बिया ने बुला बुला
और कनी 50,000 कनी 1,00,000 रो इनाम साल भेंट करे मने लागे इमें बहुत लोग लागूड़ा है और भाषा ने मरण दे कोनी जल्दी सी जिंदी राक्षी और जिंदी रेवणी भी चाहिए जिंदी रेवणी भी चाहिए क्योंकि भाषा मरी नहीं तो संस्कृति मरी और संस्कृति जिकी मारवाड़ी है वह अपने आप में अनूठी है अजूब है और मने लागे कि अपन जिकी आगे आए जिकी पीढ़ी भी ने मरण दे कोनी जिंदा राक्षी नहीं आप जो चाहना रख रहे हो कि आने वाली पीढ़ी इन्हें जिंदा राख सी आप भी सोचा है कि आने वाली पीढ़ी जिंदा राख है लेकिन आज की दुनिया में जहाँ नेपाल की अगर मैं बात करूँ तो उरे स्थिति या देखूँ हूँ कि हर घर में जो लड़का लड़की जो अब नया ब्याह रहा है या बच्चा जो पैदा हो रहा है सब घर का माँ बाप समझ लो दादो दादी सा तो फिर भी थोड़ी बहुत मारवाड़ी में बोलने की कोशिश करे है लेकिन टाबर का माँ बाप जो है वे देखे कि हिंदी में बात करांगा या जो थे बताया इंग्लिश में अगर बात करांगा तो आपनो स्टेटस सिंबल रेसी ई बोल के उसे तो मारवाड़ी तो समझ लो आज का बच्चा जाने ही को नहीं आप बात थानाली ठीक है कि थोड़ा डिग्रेशन आयो है लेकिन इतो को नहीं आ सके क्योंकि आज डीएनए में बैठुड़ी है भाषा ये ऐसी भाषा है कि भाई एक बार अंग्रेजी सीख जाए पर घेरे एक बार माँ बात करी नहीं जड़ मारवाड़ी में कर सी तो ये जो बाउंडनेस है या बाइंडनेस है ये सीमेंटेड जो चीजें हैं भावनात्मक इमोशनल आज जिंदा राक्षी संस्कृति ने एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जी नेपाल है ये तो भारत से सटेड़ो ही देश है सटेड़ो एकदम सटेड़ो तो कम से कम नेपाल जिसी जगह में राजस्थान की अपनी जो पुरानी संस्कृति है या पुरानी संस्कृति ने जो लोग लेकर आज भी कार्यक्रम कर रहे हैं चल रहा है उना को फ्लो कम से कम नेपाल में समय समय में साल में जो 2-5 कार्यक्रम अगर होता रहे भी तो जिंदा रखना में एक सहयोगी बहुत बढ़िया बात करी था दयाराम जी अग्रवाल साहब बहुत बढ़िया बात करी मैच का ए प्रोग्राम करे ने गीत संगीत रा भी और कई कवि सम्मेलन भी मारवाड़ी में जिका लोग करे बियान में कैसूँ और कोशिश करसूँ के जल्दी जल्दी काठमांडू में विराट नगर में या और कटी आसपास किसी शहर में एक प्रोग्राम करा ताकि वे इस संस्कृति ने बराबर जिंदो रख सके माने नेपाल में बताया गया है कटे होली भी मनावे दियाली भी मनावे रक्षाबंधन भी बतावे इरो मतलब संस्कृति तो था जिंदा राख रखी है पूरी इमें कोई कमी को नहीं हाँ, संस्कृति जिंदा है आज भी रखी। हाँ। और वीर वास्ते थाने में धन्यवाद भी बहुत देऊं और जिकी संस्था हमारे राजस्थान में मारवाड़ी रे प्रचार प्रसार वास्ते जिको काम करे एक अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच भी बना हुआ है उनको भी कहूंगा ये वीणा कैसेट वाले केसी मालू जी उनको भी कहूंगा के थे बटे जाओ नेपाल में जार बटे प्रचार प्रसार करो और 2-4 प्रोग्राम बढ़िया जैसी कवि सम्मेलन रो गीत संगीत रा संस्कृति के बारे में गुणगान वैसी जिकी यंगर जनरेशन है भी ने परिचय करा देसी तो मने लगे के इरे यंगर जनरेशन रो जिको जनरेशन गैप आयो नी वो दूर हो जैसी आज की स्थिति में अगर बात करा चाहे आप हो चाहे मैं हूँ अगर आप दोनों भी लिखने में बैठांगा बात तो कर रहे हैं मारवाड़ी में लेकिन लिखने में अगर बैठांगा तो लिख को नहीं पावांगा पूरी बात में नहीं आप बात ठीक है ये वास्ते तो माने तारी बात है ताकि लिखने और काम भी आगे बढ़े आज अखबार छपन लाग जावे पिने पढ़ने की कोशिश करी लोग अपना भी आगे बढ़ सी अब आप बोला भी हाँ और कई लोग जहाँ लिखने रो काम भी करे कई लोग लिखने रो काम भी करे बे साहित्य भी लिखे लेकिन बे कम हो गया लोगों के सामने पहुंचाने के लिए भाषा को कितो महत्व मानो आप मैं समझू भाषा रो सबसे ज्यादा महत्व है सबसे ज्यादा महत्व है कोई बात कम्युनिकेट अगर करनी हुए तो सबसे ज्यादा मातृभाषा में ही करनी चाहिए कम्युनिकेट किसी को करनी मातृभाषा में और वीरों जो को महत्व है एक ऐसा भावनात्मक संबंध आ जावे मैं कहीं कहीं बाहर जावा या विदेश जावा अब सब एयरपोर्ट पर अंग्रेजी बोलना बोल रही है ठीक है नहीं मारी ये ड्रेस ने देख कर कोई यहाँ समझे बाबू तू कठे रहो है अरे कहा मैंने इतो यहाँ इतो प्रेम उमड़े मारो अरे के भाई भाषा जाने मारियो आदमी अठे जर्मनी में रहे बेल्जियम में रहे तो ईरो कितो फर्क पड़े भाई साहब बहुत फर्क पड़े ईरो ई वास्ते भाषा अपने आप में कम्युनिकेट करने रो सबसे बड़ो माध्यम है कोई अपन अठे नेपाल में भारत में या आ बात को नहीं हर जगह चाइनीज अगर बैठ मिली जर्मनी में और आपरी भाषा बोली एकदम भावनात्मक नहीं एक चीज यह भी है जी हाँ भारत में मारवाड़ी राजस्थानी बोलने में अगर कम भी हो रहा है लेकिन जो विदेश में जाकर बस गया वे आज भी तरस है आपकी भाषा बोलने के लिए लेकिन अपने देश में धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं यह बात मानो चाहे कम कर रहा है
लेकिन फिर भी जी आज की जनरेशन है बस सिखा रही है आप लोग नहीं नहीं थे भाषा मत बोलो भाषा मत बोलो अपनी भाषा में आ विशेषता है अपनी भाषा में आ विशेषता है। देखो मात्र भाषा जी की हुए और माँ जी को सिकलो पहला आप बच्चे ने भाषा सिखावे वो भाषा भूल को नहीं पावे जल्दी सी और जो यहाँ भूलता भाषा तो कभी भूल जाता भूली जो को नहीं भाषा मात्र भाषा जिंदा रहे ही। और मैं ई मामले में बांग्लादेश रे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देऊ कि 21 फरवरी एक सो दिन है जिसको मातृभाषा दिवस मनाया जावे। वो क्यों मनाया जावे जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग हुआ और जिन्ना साहब ढाका जद गया और जार जद भी आ बात कही कि थाने उर्दू पढ़नी पड़ी बे बंगला भाषी आ बिया क्या उर्दू क्यों पढ़नी पड़ी कि उर्दू अपारी देशरी भाषा है तो थाने बंगला छोड़नी पड़सी उर्दू पढ़नी पड़सी। एक आंदोलन हुयो भी मैं बांग्लादेश शहीद दियो और मामलो आगे बढ़ियो भाई ओ कई मामलो है उर्दू तो जाने फिर भी बंगला वास्ते तक किया तो बह के मैं मातृभाषा वास्ते शहीद हो सका जब शहीद हुआ तो मामलो यू ने में गयो तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनावे वो ई वास्ते मनावे कि संसार में जितना भी देश है वे आपरी मातृभाषा ई दिन मनावे और मातृभाषा नहीं भूले ई वास्ते यू नो भी इन्हें इंडोर्स करे। तो यह 21 फरवरी की जो थे बात कही या मैं तो आज तक पुनी सुनियो थो अगर यह बात है तो फिर तो नेपाल में चाहे भारत में जो भी आप आपकी भाषा को इन्हें तो मनाना चाहिए ना फिर उन दिन मनावे है वो कहूँ 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है, है लेकिन और लोग मनावे अठे नहीं मना रहा है तो मैं थारे चैनल के माध्यम से अपील कर सू कि 21 फरवरी ने आवनाली 21 फरवरी भी ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस रूप में मनावे और मारवाड़ी समाज भी बहुत जोर शोर से मनावे। अब जाता जाता नेपाल में बसनिया जो मारवाड़ी है राजस्थानी कह लियो उन्होंने आप के करना चाहोगा मैं जिका नेपाल में मारवाड़ी भाई बसे है राजस्थानी भाई बसे है बियान आ कहना चाहूँ कि ई देश ने आपरो देश समझे माटी री सुगंध में लेता रहे आपरी जड़ा ने भूले नहीं और ई देश ने आपरो देश समझ नेपाल रे विकास में आपरो योगदान पूरो देवे आई मैं अपील करना चाहूँ। धन्यवाद आप इन कार्यक्रम ने समय दिया इनके लिए मैं आपको बहुत आपरो भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बृंद अभी आप बातचीत कर रहा था सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी से आप इना की बात सुनिया और जो ये कह रहा है कम से कम आपकी भाषा जो मातृभाषा है घर में अगर बोलता रहूँगा तो बार न भी जरूर बोलांगा ये तो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब उनका विजेता को नाम और इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार गत हप्ता सोधिएको प्रश्न नेपाल का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को नाम के हो ऑप्शन ए खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ऑप्शन बी खगेन्द्र प्रसाद शर्मा ओली ऑप्शन सी खुम प्रसाद ओली र ऑप्शन डी खिल प्रसाद ओली इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। दर्शक प्रश्न को भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट हैम्पर पाउन सफल 5 SMS करता हुनुहुन्छ 9846 48 69 73 31 97 41 5 75 97 46 37 32 34 97 04 64 54 कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 9810 57 03 91 सीजीको फ्यान हिटर पाउन सफल हुनु भएको छ 9821 14 10 39 बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 9849923804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्येको नेपाल सरकारका वा प्रधानमन्त्री होइनन् अप्सन ए चोप बहादुर रायमाझी अप्सन बी अनुसरी खर्ती अप्सन सी कमल थापा र अप्सन डी विजय कुमार गच्छदार दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आजको लिए यो कार्यक्रम इत्नो ही अगले शनिबार फिर नई सामग्रियाँ का सागा उपस्थित रहूंगा तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल एट हिमालय TV.com पर और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो।
और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।